या लेंस की तरफ भी देखता हूँ तो इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू एवरीवन ऑफ यू। रात के बज रहे हैं 12, अब तो 8 हो गया, 8 अभी होना है, 11:44 हो गया ना। क्यों बंद हो गया है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड तक जरूर देख लेना। एक बार मैं इंट्रो दोबारा करूंगा, मुझे मजा नहीं आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, माय नेम इज ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर ईवी के बारे में। खास बात क्या है कि ये नाइट ड्राइव रिव्यू है और वो भी अभी तक का किसी भी चैनल के साथ अगर कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा डिटेल नाइट ड्राइव रिव्यू। यूजुअली आपको हर कोई, मैं भी पहले ये बताता था कि इस लाइट का थ्रो कितना है, विजिबिलिटी कैसी है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि पीछे से आने वाली लाइट भी आपकी आंखों में कितनी पड़ती है, कितनी नहीं इरिटेट करती है, नहीं बटन्स में आपको कैसी लाइट मिल जाती है, प्लस बूट स्पेस इंटीरियर कैबिन में आपको किस तरीके की लाइट मिलती है, और रात को अगर आप कभी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है विद द टाटा टिगोर ईवी, या इनफैक्ट टाटा टिगोर के साथ भी, क्योंकि विजिबिलिटी वाइज तो ईवी और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, मोस्ट डिटेल्ड नाइट ड्राइव प्रैक्टिकल नाइट ड्राइव रिव्यू होने वाला, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी की, लाइट की विजिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी है, बट 7 out of 10 मैं इजीली कंसीडर कर सकता हूँ। अभी हम किसी अंधेरी रोड पे जाएंगे तब आपको मैं बेटर बता पाऊंगा, बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ विजिबिलिटी की तो ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि आपको विजिबिलिटी ठीक मिल जाती है, लाइट ठीक है। तो इससे बेटर डेफिनेटली हो सकती थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट कटिंग कह लो या पैसे बचाए गए। लेकिन एक और चीज़ बताऊंगा कि जो इस गाड़ी की फ्रंट विंडशील्ड है वो कहीं ना कहीं टिंटेड है थोड़ी सी, वो पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज विजिबिलिटी का फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम साइड वाले शीशे देखें तो उसकी विजिबिलिटी मेरे को बाहर देखने में इजी लग रहा है, टिंटेड वाली में थोड़ा डार्क हो रहा है। तो ये इस चीज़ को बेटर किया जा सकता था, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता तो अच्छा लगता। फ्रंट वाला विंडशील्ड कुछ ज़्यादा ही टिंटेड है, इसको टिंटेड ना ही रखते तो बेटर था। अब मैं आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी लाइट की दिखाना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं विदाउट लाइट्स, अभी सिर्फ LED DRL ऑन है। ये है, हो गए इसके प्रॉपर लाइट्स ऑन, इससे पहले ये DRLs एक और तरीके के येलो वाले हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं, और ये इसकी लाइट और ये इसकी हाई बीम। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इट्स डिसेंट, 7 out of 10 मैं यहाँ पर नंबर दे सकता हूँ। बात करते हैं इसके बोनट के बारे में कि वहाँ पर विजिबिलिटी आपको कैसी मिलती है। बहुत लोगों की आदत होती है और उनको अच्छा लगता है कि बोनट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से दिखे, ताकि आपको रोड पे बेटर आपकी ड्राइविंग हो सके, बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में वो नहीं है, और सेडान्स में यूजली होता भी नहीं है, बहुत लिमिटेड सेडान्स हैं जहाँ पर आपको जो बोनट है वो नज़र आता है। अमेज इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि उसका थोड़ा सा बॉक्सी डिज़ाइन है तो वहाँ पर आपको वो नज़र आ जाता है, तो वो आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट इसमें आपको नहीं नज़र आएगा तो वो कई लोगों को बॉदर कर सकता है। मुझे भी लगता है कि अगर वो विजिबल होता तो बेटर लगता आपके लिए सिटी ड्राइव में, या बिल्कुल नैरो जब आपने निकालनी होती एजेस के पास से, तब आपको काफ़ी इजी हो जाता। विजिबिलिटी की प्रॉपर अगर मैं बात करूँ, IRVM बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनसाइड रियर व्यू मिरर जिसको हम बोलते हैं, तो पीछे से जो लाइट आती है आपको वो कहीं ना कहीं चुभ सकती है थोड़ी सी, वो चुभती है, लेकिन आपके पास इसकी मैनुअल ऑप्शन है तो आप इसको इस तरीके से करेंगे तो वो लाइट्स जो है वो कंपैरेटिवली कम आपको चुभेंगी। ऑफ कोर्स आपको फंक्शन तो पता था, बट मेरा बताना आपको फर्ज बनता है कि इसका IRVM कैसा है, तो मैं बोलूँगा जैसा होता है वैसा है, ना ख़राब है ना बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें, और ऐसा भी नहीं है कि ये अच्छे से काम नहीं करता, तो इट वर्क्स जैसे बाकी करते हैं। अगर आप बात करो ORVMs आउटसाइड रियर व्यू मिरर की, तो वो आपसे डिस्कस करना, वो भी इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स। तो वहाँ पर आपको जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि साइज़ और प्रॉपर प्लेसिंग है वो काफ़ी अच्छी है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे इधर से देखना हो चाहे उधर देखना हो, IRVM और ORVM दोनों परफेक्टली बढ़िया तरीके से काम करते हैं, विजिबिलिटी वाइज वहाँ आपको इशू नहीं आएगा। अब बारी आती है इसके बटन्स की। अब बटन की विजिबिलिटी सही है और अर्गोनॉमिक्स वाइज भी सही है, क्योंकि आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, हॉर्न यहाँ से या फिर यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो हार्ड आपको ऑफकोर्स लगेगा, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप इजीली जो बटन्स को है वो यूज़ कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, यहाँ से वॉल्यूम और कॉल एक्सेप्ट या वॉइस कमांड्स के लिए, और यहाँ से आप कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं, सारे फंक्शंस आपके प्रॉपर काम करते हैं और आपके अंगूठे पे ही हैं ऑफकोर्स, और लाइटिंग इनके ऊपर प्रॉपर है तो आपको दिक्कत रात में नहीं आने वाली। अगर हम बात करें इसके MID को, तो ब्लू कलर जो है इसका, ये डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता है, जो इस तरीके की थोड़ी सी एनिमेशंस है, बट मुझे लगता है कि थोड़ी और फंकी एनिमेशंस होती, कोई यूज़र इंटरफेस होता प्रॉपर, तो वो ज़्यादा पसंद आता लोगों को, और किस तरीके को कि यू नो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं यहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑफकोर्स सारी मिल जाती है, और
प्रॉपर विजिबल भी है। थोड़ा सा क्लस्टर्ड है, मतलब स्क्रीन छोटी है, सामान उसके अंदर ज़्यादा डाला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, तो थोड़ा सा क्लस्टर्ड आपको लगेगा, बट ओवरऑल जितनी चीज़ें आपको चाहिए वो वहाँ हैं, लिखी हैं, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे उसकी आपकी एग्जैक्ट परसेंटेज हो बैटरी की, वो भी आपको पता लग जाएगी। अगर हम लाइट्स की बात करें, अब मैं आपको इस एंगल से भी दिखाना चाहूँगा, तब आप ये लाइट्स ऑफ से, ये LEDs हैं, ये आपकी लाइट नॉर्मल, और ये दिस इज़ द बीम। अब बारी आती है टच स्क्रीन के बारे में बात करें। देखो दिन में अगर आप हो तब तो आपको पूरी ब्राइट अच्छी मिल रही है, बट दिन वाले रिव्यू में मैंने अच्छे से बताया उसके बारे में भी, लाइट्स ऑन करोगे तो ऑफकोर्स थोड़ी सी डिम हो जाती है ताकि आपकी आंखों में ना चुभे, और वो फीचर अच्छा भी है। एंड अगर मैं लाइट्स ऑफ करके देखता हूँ तो मेरा ध्यान इस पर रहता है, क्योंकि लाइट जो है काफ़ी ज़्यादा मेरे फेस पे आ रही है, बट अगर मैं लाइट्स अपनी नॉर्मल ऑन कर देता हूँ तो इसकी ब्राइटनेस डिम होगी। अब ये मेरी आइज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, यूज़ करना भी इजी है, हाथ इधर उधर नहीं करने पड़ते ज़्यादा, अंधेरे में आपको ऐसा नहीं है कि कोई बटन ढूंढना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर बटन्स जैसे कि AC कंट्रोल्स, नीचे नॉब्स वगैरह, उनको भी कंट्रोल करना इज़ कंपैरेटिवली इजी किसी और गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि उसमें केवल स्ट्रेच करना पड़ता है आपको, इसमें ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रेच आउट नहीं ज़्यादा करना पड़ता, आप इजीली सारे बटन्स को यूज़ कर पाते हैं। यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो गियर नॉब मिलता है, जिसको हम रोटेटरी डायल भी बोलते हैं, जिससे आप न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से टाटा टिगोर EV का नाइट ड्राइव रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स जो हैं वो मिल गए होंगे, फिर भी कुछ रह गया तो डोंट यू वरी, नीचे कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के सारे जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बाकी संडे को लाइव सेशंस ज्वाइन करें, किसी भी गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर मिल जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मैं ना अभी हिमांशु को ये बता रहा था, तो हमारी वीडियोस शूट और एडिट करते हैं, कि अभी हम जैसे 3-4 दिन इस गाड़ी को अच्छे से चलाने लगे हैं, मेरा थोड़ा सा व्लॉगिंग करने का मन भी हो रहा है, ऐसे अभी वीडियोस आपसे बातें कर रहा हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, तो है बहुत सारी बातें मन में आ जाती है, कैमरा देखे ना भूलने को मन करता है, स्पेशली इतनी हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, लाइव सेशन वगैरह होते हैं तो आप लोग सवाल पूछते हैं, तो अब जब मैं कैमरा या लेंस की तरफ भी देखता हूँ तो इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू एवरीवन ऑफ यू। एंड आप लोग सजेशंस वगैरह देते रहा करो यार नीचे, कि कैसी हैं कैसे नहीं, अभी मैं अपना पूरा ये एक्सपीरियंस शो करूँगा, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो और किसी गाड़ी का आप देखना चाहते हैं या कुछ है, तो डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की कंपनी से गाड़ी अरेंज करके आपके लिए प्रॉपर अच्छा कंटेंट बनाऊं, जिसमें हम थॉरली गाड़ी को स्टडी करके, रिसर्च करके आपके लिए उसका वीडियो वगैरह बना के आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आपका टाइम बचे। आपने अगर टिगोर EV जैसे लेनी, इस व्हीकल में हम बात कर रहे हैं, अब आपको तो 4 दिन की टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगी, एंड ना आपके पास इतना टाइम, अगर मिल भी रही हो तो आप लोग कहाँ से करोगे वो, तो कहीं ना कहीं हम लोग आपको इस तरीके से हेल्प कर देते हैं। तो आज है 6th December, नहीं 7th December, रात के बज रहे हैं 12, अब तो 8 हो गया, 8 अभी होना है, 11:44 है ना, कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, यानी कि 8 December को, एंड मैं घर पे नहीं हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उसकी लड़ाई अलग हो गई अभी अभी एक्चुअली कुछ दिन पहले ही कर गया था, तो इतने चक्कर लगाने लग गया, फिर हो गया काम, अभी न्यू ईयर की वेकेशन वगैरह भी होगी तो वहाँ पर भी घूमने फिरने जाना है, तब भी छुट्टियाँ होंगी, तो अगर जितनी छुट्टियाँ करूँगा तो आपके लिए वीडियोज़ कौन बनाएगा, बातें तो देखो मेरे पास बहुत है और जितनी मर्जी करा लो, और ये जिम्मा एडिटिंग का कभी कभी मैं कर लिया करूँगा, बट आई थिंक हिमांशु बेटर एडिटिंग कर लेगा व्लॉगिंग की, उसको शौक भी है इस चीज़ का, कि सिर्फ खुद व्लॉग करने का शौक है, दूसरों की एडिट करने का नहीं तो हिमांशु एडिट क्या करेगा, मैं तो कहता हूँ मेरा व्लॉगिंग चैनल आप ही संभाल लो, मैं रिकॉर्ड क्या करूँगा, आप एडिट करो, डालो, जो रेवेन्यू है आप रख लेना, कोई बात नहीं, अभी तो कहना ठीक है, अभी तो व्यूज़ आ रही नहीं ज़्यादा, मोनेटाइज भी नहीं हुआ, चैनल तो छोटा है अभी, तो ऐसा करो अगर आप चाहते हो कि हिमांशु को रेवेन्यू मिले तो हमारा व्लॉगिंग वाला चैनल चेकआउट करो, उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, किया तो है, 3-4 वीडियोज़ मैंने बनाई थी उस पर बहुत पहले, कोविड, प्री कोविड वीडियोज़ हैं उस पर, उसके बाद मौका ही नहीं मिला, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि करूँगा यार, थोड़ा मन लगता है।